जबलपुर में 29 जनवरी की सुबह एक बुजुर्ग महिला खाली सड़क पर अपने घर से मंदिर जा रही थी। उसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। घटना के बाद पिकअप वाहन चालक भीड़ को गुमराह करते हुए यह कहकर वहां से फरार हो गया कि बुजुर्ग महिला को गाय ने मारा है, न कि वाहन से टक्कर लगी है। घटना के बाद बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां घटना वाली रात ही उसकी मौत हो गई। 3 दिन बाद दुर्घटना का महिला को टक्कर मारने वाला वीडियो सामने आया है, जहां साफ देखा जा सकता है कि पिकअप वाहन की टक्कर से बुजुर्ग महिला सड़क पर सिर के बल जा गिरी। जानकारी के मुताबिक बड़ा फुआरा निवासी शैलेंद्र कुमार की मां 29 जनवरी की सुबह अपने घर से निकलकर जैन मंदिर दर्शन करने जा रही थी। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार एक पिकअप वाहन ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बुजुर्ग महिला सर के बल नीचे गिर गई। घटना के बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने महिला को जहां निजी अस्पताल में भर्ती करवाया तो वहीं परिवार वालों को सूचना दी। घटना के समय बुजुर्ग महिला के 3 बच्चे इलाज के लिए मुंबई गए हुए थे, लिहाजा रिश्तेदारों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन घटना वाली रात को ही बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। 29 जनवरी को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज 3 दिन बाद मिला और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पिकअप वाहन चालक को तलाशना शुरू कर दिया। कोतवाली पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार करते हुए वाहन को जब्त कर लिया। घटना के बाद मृत महिला के परिजनों ने सवाल किए हैं कि क्या ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एक सीसीटीवी कैमरा सामने आया है कोतवाली थाने से, महिला की मौत हो गई है। जो फुटेज सामने आया है इसमें थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी जब्ती हो गई? हाँ, ये जब्ती हो गई, गाड़ी जब्त है।